हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रेट एग्जाम्स के लिए आरबीसी 10th क्लास के एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हिस्ट्री वाले पोर्शन से हमारा अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और देखिए, इस तरह हमने आरबीसी की जो टोटली हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर ली है 6th से लगाकर 10th क्लास तक। देखिए, इस चैप्टर का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इस चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है और रेट एग्जाम में इस चैप्टर से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन तक आपको अपनी पहुंच रखनी है। अगर हो सके तो आप इन सारे क्वेश्चनों को कहीं पर लिख लें और जब भी आपका रीट का एग्जाम हो तब आपको इनका एक बार रिवीजन करके जरूर जाना है, निश्चित ही आपको फायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊँगा ताकि अधिक ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर स्थायी रूप से व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 ईस्वी में स्थायी रूप से जो व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वो की थी सूरत में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1644 ईस्वी में कहाँ पर सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण किया गया था? तो देखिए, सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण किया गया था मद्रास में 1644 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे? तो ये कौन सा युद्ध था बताएं? तो देखिए, ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो प्राप्त हो गए थे। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1757 ईस्वी में। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने साथ में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कौन सी संधि नहीं हुई थी वो आपको बताना है। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, बड़गांव की संधि या फिर राजघाट की संधि? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, राजघाट की संधि नहीं होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। तो ये कब होती है? ये होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। जो ऊपर की चारों संधियां हैं ये होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो देखिए, 1775 से लगाकर 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें सूरत की संधि होती है 1775 में, पुरंदर की संधि होती है 1776 में और सालबाई की संधि होती है 1779 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपको जो सत्य कथन है वो बताना है। राजघाट की संधि होलकर व अंग्रेजों के मध्य हुई। भोसले ने अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली थी। सिंधिया ने लालवाड़ी के युद्ध में पराजित होने पर अंग्रेजों से सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली या फिर सभी? तो देखिए, यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है, ये तीनों सत्य हैं, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है कि राजघाट की संधि किन किन के मध्य हुई, देवगांव की संधि किन किन के मध्य हुई और सुरजी अर्जुन गांव की संधि किन किन के मध्य हुई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलोर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की विजय होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की निर्णायक रूप से हार होती है, ना कि विजय। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी के जो ये ऊपर के फैक्ट है ये आपको साथ में ध्यान रखने हैं। असत्य कथन है, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध के दौरान लाहौर की संधि हुई थी।
दिसंबर 1846 में भैरोवाल की एक पूरक संधि हुई। डलहौजी ने मार्च 1850 ईस्वी में को पंजाब को भारत में मिला दिया गया या फिर सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। डलहौजी ने मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिलाया था, ना कि 1850 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के ऊपर के जो दो फैक्ट है ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में किसने यह कहा है कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया आप बताएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, सामाजिक धार्मिक और सैनिक कारण या फिर सभी। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी कारण थे जिनके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के संबंध में सत्य है। देखिए आपको केंद्र और उस केंद्र पर विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी बताना है। दिल्ली में विद्रोह को दबाया गया था हडसन के द्वारा। लखनऊ व कानपुर, कैंपवेल, बनारस बरेली में नील, जगदीशपुर में विलियम टेलर या फिर सभी सत्य हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ये सभी सत्य हैं। तो ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि दिल्ली में 1857 की क्रांति किसके द्वारा दबाई गई, तो हडसन के द्वारा। लखनऊ और कानपुर में कैंपवेल के द्वारा दबाई गई, कानपुर बरेली में नील के द्वारा और जगदीशपुर में विलियम टेलर के द्वारा। 1857 की क्रांति के संबंध में सही सुमेलित नहीं है केंद्र और वहां पर किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था इसके संबंध में। सतारा में रंगोजी बापू गुप्ते, हैदराबाद में सोनाजी पंडित रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी छोटा सिंह, मद्रास में अरुणागिरी व कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है मद्रास में अरुणागिरी व कृष्णा। देखिए मद्रास में यहाँ पर नीचे दे रखा है नेतृत्व किया गया था गुलाम घोष व सुल्तान बख्श के द्वारा, और जो ये अरुणागिरी और कृष्णा है इनके द्वारा कहाँ पर नेतृत्व किया गया था, चिगलफुट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोल्हापुर में नेतृत्व किसने किया था, अन्नाजी फडणवीस ने, और कोयम्बटूर में किसने नेतृत्व किया था, तो ये इनके द्वारा किया गया था मुलगाबल स्वामी के द्वारा, और केरल में किया गया था मुल्ला सन्नी और विजय कुदरत के द्वारा। तो देखिए इन सभी के बारे में आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है, ये यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया जिसका उल्लेख उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। तो देखिए सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उपन्यास आनंद मठ से। और ये आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था उपन्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यहाँ पर आपको सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56, रामोसी विद्रोह 1822, भील विद्रोह 1825 या फिर सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तो देखिए ये सभी सही सुमेलित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फिफ्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए डेट आपको याद रखनी है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ। अब देखिए जो संथाल विद्रोह है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सिंधु व कानू के द्वारा। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सरदार चित्र सिंह के द्वारा, और भील विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सेवरम के द्वारा। देखिए वैसे तो भील आंदोलन 1825 से पहले शुरू हो गया था, लेकिन 1825 में इसका ये वापस शुरू हुआ था, उस समय इसका नेतृत्व किया गया था सेवरम के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा चापेकर बंधु नहीं है, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर या फिर राधाकृष्णन हरि चापेकर।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राधा कृष्ण हरि चापेकर ये चापेकर बंधुओं में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन तीनों को कहा जाता है चापेकर बंधु, ये आप ध्यान रखिएगा। इनके संबंध में प्रसिद्ध घटनाएं ये आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने 22 जून 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड व लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। तो ये आपको फैक्ट कंटेस्टली ध्यान रखना है, 22 जून 1897 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये आप ध्यान रखिएगा। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इनकी मासिक पत्रिका का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया सोशलिज्म। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना कब की गई? तो देखिए इनके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पुस्तक और लेखक के संबंध में जो असत्य है वो बताना है। भवानी मंदिर ये पुस्तक है किनकी? वारिंद्र कुमार घोष की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर की पुस्तक है। यंग इंडिया गांधी जी की पुस्तक है। मैं नास्तिक क्यों सुखदेव की पुस्तक है। तो इनमें से कौन सी असत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए मैं नास्तिक क्यों हूँ ये सुखदेव की पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक है भगत सिंह की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर की तीनों पुस्तकें और लेखक आपके, आपको ये ध्यान रखना है। चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए चंपारण किसान आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो देखिए लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट होगा। इंडिया लीग की स्थापना कब हुई? तो देखिए इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। तो देखिए उदारवादी नेता नहीं है बाल गंगाधर तिलक, ये एक उग्रवादी नेता थे, या फिर आपको ये ध्यान रखना है गरम, जो गर्मपन था उसके ये नेता थे, बाकी ये थे उदारवादी नेता। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है। तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगाम में होमरूल लीग की स्थापना की। एनी बिसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार में होमरूल लीग की स्थापना की। रॉलेक्ट एक्ट 1917 में पारित हुआ। गांधी ने रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तो देखिए असत्य कथन है ऑप्शन नंबर थर्ड, रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, 1917 दे रखा है जो कि गलत है। तो बाकी के जो ये फैक्ट हैं ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये डेट आपको जरूर ध्यान रखनी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट डेट है। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 में, ये भी डेट आपको ध्यान में रखनी है। पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट होगा। यहां पर आपको असहयोग आंदोलन के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो बताना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोई नहीं, क्योंकि ये चारों जो कथन है ये चारों कथन सत्य है। तो ये चारों फैक्ट आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। शुरू कब हुआ, चोरा चोरी कांड कब हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया, और
इसे अत्यंत कष्टदायी बताया। असहयोग आंदोलन को वापस लेना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये चार फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किसके द्वारा नहीं की गई? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो देखिए इसमें शामिल नहीं थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, और इनमें विट्ठल भाई पटेल भी शामिल थे। प्रमुखतः इन दोनों का नाम आता है, तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि महासचिव किसे बनाया गया, तो महासचिव बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। स्वराज पार्टी का स्थापित कब हुई और कहां पर हुई, ये आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा, ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये सबसे पहले कहां पर आया था, बंबई। और इस साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किसके द्वारा किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ कब दांडी यात्रा शुरू करते हैं? तो देखिए दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च 1930 को और ये खत्म होती है 6 अप्रैल 1930 को। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी मुझे कि ये किन किन के मध्य हुआ था, गांधी जी और इरविन के मध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये समझौता किन के प्रयासों से संभव हुआ, तो देखिए तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से। तो इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गांधी अम्बेडकर के बीच पूर्ण समझौता 26 सितंबर 1932 में हुआ। गांधी जी राजपूताना नामक जहाज पर सवार होकर लंदन गए थे। कांग्रेस ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए कांग्रेस ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो ये एक असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 4। तो कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो देखिए कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और केवल इनका एक प्रतिनिधि ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। कांग्रेस का केवल एक सदस्य जाता है और उस सदस्य का नाम है गांधी जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के जितने भी इफेक्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। पूर्ण समझौता कब हुआ, ये डेट आपको कंटेस्टली ध्यान में रखनी है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के खिलाफ शुरू हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के खिलाफ शुरू हुआ था, ना कि प्रथम विश्व युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ऊपर के जो इफेक्ट है ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? तो देखिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को, और इन्होंने गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा। तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। और देखिए 8 अगस्त के एक दिन बाद 9 अगस्त को जितने भी बड़े बड़े नेता थे गांधी जी समेत, उन सभी को गिरफ्तार कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये डेट भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है। भगत आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया। गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। मोतीलाल तेजावत ने, यहां पर ये एक ही है,
एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत ने 30 मांगे रखी। तो देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 22 मांगे रखी थी, जिन्हें कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। यहाँ पर 30 दे रखा है जो कि गलत है। तो ऊपर के जो ये तीनों फैक्ट हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपको आज मैंने ये दिए है असत्य वाले, कारण क्या है कि ये क्वेश्चन में मैं आपको अधिक से अधिक फैक्ट प्रोवाइड करा सकूं। तो आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे केवल इतना ही पूछ सकते हैं कि भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या फिर संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखने होंगे। बिजोलिया आंदोलन के संबंध में असत्य कथन है, धाकड़ जाति ने यह आंदोलन किया। 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों पर चवरी कर लगाया। 1906 में नए सामंत पृथ्वीराज ने प्रजा पर तलवार बंदई नमक कर लगाया। 1916 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। तो देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी 1917 में, यहाँ पर 1916 दे रखा जो कि गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1897 में और ये समाप्त हुआ था 1941 में, और ये एक अहिंसक आंदोलन था, विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन। बाकी के जो ये तीनों फैक्ट है ये आपको साथ में ध्यान रखने होंगे। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी 1931 में, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। एक फैक्ट आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, सिक्कर किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में किसकी अध्यक्षता में विशाल महिलाओं का सम्मेलन हुआ? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है और बार बार रिपीट भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कटरातल सम्मेलन हुआ था किशोरी देवी की अध्यक्षता में, और इसमें मुख्य प्रवक्ता कौन थी? उत्तमा देवी। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। 25 अप्रैल 1934 को हुआ था कटरातल सम्मेलन, इसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। क्यों भाग लिया? देखिए सीहोट का एक सामंत था, सीहोट का सामंत जिसका नाम था मान सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, इसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसके विरुद्ध फिर ये सम्मेलन हुआ था। तो ये फैक्ट आपको सारे ध्यान रखने। राजस्थान सेवा संघ व रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को किसने बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी? तो देखिए ये दी थी मेवाड़ राज्य ने, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये किस आंदोलन की बात हो रही है, यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन की। बेगू किसान आंदोलन में जो अनूप सिंह थे, अनूप सिंह ने जितने भी कर थे कर को माफ करने की करने का समझौता कर लिया था, तब फिर मेवाड़ राज्य ने कहा था कि ये तो यहाँ पर बोलशेविक फैसला हो रहा है, फिर इस फैसले को नकार दिया गया था मेवाड़ राज्य के द्वारा। जो अनूप सिंह ने कर माफ किए थे उसको मना कर दिया मेवाड़ राज्य ने, और बाद में अनूप सिंह को भी बंदी बना दिया था। बेगू किसान आंदोलन के तहत ट्रेंच के द्वारा कब किसानों पर फायरिंग की गई? ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो देखिए ट्रेंच ने किसानों पर फायरिंग कर दी थी 13 जुलाई 1923 में, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक किसान मारे गए थे। तो इन दोनों का नाम भी आपको साथ में ध्यान रखना है, और ये डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है। देखिए बार बार क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर स्टूडेंट एग्जाम के टाइम रिवीजन करके नहीं जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। आपको बार बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, निश्चित ही आप अच्छा स्कोर करके आएंगे रीट एग्जाम में। बरड़ किसान आंदोलन के तहत डाबी गांव में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर कब गोलियां बरसा दी गई? तो कब बरसा दी गई आप बताएं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 अप्रैल 1923 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस आंदोलन की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम? बरड किसान आंदोलन की, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे?
डाबी गांव में नैनूराम शर्मा। तो उस समय किसानों पर क्या चला दी गई थी, गोलियां। और ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 2 अप्रैल 1923। निमूचना हत्याकांड कब हुआ, तो देखिए निमूचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये दो डेटे किन किन से संबंधित हैं, किन किन आंदोलन से, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जस्ट अभी मैंने आपको आगे ये बताई है। गांधी ने यंग इंडिया में इसे दोहरी डायर से ही कहा है, किसे, जो निम्बूचना हत्याकांड हुआ है उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है, निम्बूचना हत्याकांड कब हुआ या डेट आपको ध्यान रखनी है, 14 मई 1925 को। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो देखिए प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था विजय सिंह पथिक को, और अध्यक्ष किसे बनाया गया था, बहादुर रामचंद्र राव को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी राज्यों के आंदोलनों को समर्थन देने का प्रयास प्रस्ताव पारित हुआ था, तो देखिए ये प्रस्ताव पारित हुआ था हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। यह आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस महिला का संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं है, रमा देवी देश पांडे, सुशीला देवी, अंजना देवी चौधरी, इंदिरा देवी, नारायणी देवी। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा नारायणी देवी, इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं था। इन चारों का नाम आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। देखिए कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इन महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो अगर आपको ये कंटेस्टली ध्यान में होंगे तो आप अपना आंसर आसानी लगा सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, इनका संबंध था जयपुर प्रजामंडल से। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जोधपुर में किन महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी, सावित्री देवी भाटी, राजकौर व्यास, गोरजा देवी, सिरे कवर व्यास या फिर सभी। तो देखिए इन सभी के द्वारा गिरफ्तारी दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, कहां पर, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर फिफ्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन चारों का नाम आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो देखिए यह हुई थी 1931 में। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हैं तो कौन है, तो देखिए यह है कांतिलाल, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट होगा। किस प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी, तो देखिए यह हुई थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में, और ये कहां पर है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। सबसे नवीन स्थापित प्रजामंडल कौन सा है, तो कौन सा है बताएं, देखिए ये है झालावाड़। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। देखिए प्रजामंडल का आपका दे रखा है 10th क्लास की इस लास्ट चैप्टर में, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए इनकी स्थापना दे रखी है, स्थापना वर्ष दे रखा है यहाँ पर, तो ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। तो देखते हैं बाद में इनके संस्थापक भी देख लेंगे। देखिए 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, 1934 में मारवाड़ हाड़ोती की, 1936 में बीकानेर धौलपुर, 1938 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, 1939 में कोटा किशनगढ़ सिरोही, 1942 में कुशलगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में जैसलमेर प्रतापगढ़ और 1946 में झालावाड़। देखिए आपको ये कंटेस्टली ध्यान होने चाहिए, अगर आप याद नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। अब देखिए संस्थापक भी इनके साथ में हम देख लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे जमनालाल बजाज, बूंदी के कांतिलाल, इनके अलावा नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता भी नाम आता है। मारवाड़ के प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे भंवरलाल सराफ, हाड़ोती के थे नैनूराम शर्मा,
बीकानेर के थे वैद्य मगाराम, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जोधपुर के कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। मेवाड़ के थे माणिक्यलाल वर्मा, और मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को। शाहपुरा, इसके संस्थापक थे इस प्रजामंडल के लादूराम व्यास रमेश चंद्र ओझा। अलवर के थे हरि नारायण शर्मा। भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्यन्द्र गोपीलाल यादव। करौली के थे त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल, कुंवर मदन सिंह। कोटा के थे नैनुराम शर्मा और अभिन हरि। किशनगढ़ के थे कांतिलाल चौथाणी और जमाल साह। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, कुशलगढ़ के भवरलाल निगम। बांसवाड़ा के थे धूलजी भाई भावसर, भूपेंद्र नाथ और मणिशंकर नागर। डूंगरपुर के थे भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय। जैसलमेर के थे मीठालाल व्यास। प्रतापगढ़ के थे ठक्कर बप्पा, चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक। और झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे मांगीलाल भव्य। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, मैंने आपको वर्ष भी बता दिया है और उनके संस्थापक भी बता दिया प्रजामंडल के, तो आपको सारे ये याद होने चाहिए। अगर आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो और इसी के साथ हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो ये सीरीज, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को सजेस्ट जरूर करें इस सीरीज के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।